जय श्री कृष्ण। श्रद्धेय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। इस संस्कार वाटिका के सभी संरक्षकों, संचालकों एवं अभिभावकों को मेरा नमन एवं इस महकते प्रांगण में खिल रहे सभी सुंदर सुंदर फूलों को मेरा स्नेह वंदन। इस प्रकल्प में चरित्र निर्माण के कई उपक्रमों में से एक उपक्रम है श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्री कृष्णाष्टकम का सस्वर पाठ एवं मात्र 10 दिनों में इसे कंठस्थ करा देना। यह स्तोत्र संस्कृत भाषा में रचित है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है जो कि हमारी वाणी को संस्कारित करती है। इसके हर शब्द का छोटे से छोटे अंश का भी अलग अलग उच्चारण होता है। इसकी मात्रा का अर्थ अलग अलग होता है, यहाँ तक कि इसके अनुस्वार और चंद्र बिंदु का भी उच्चारण अलग अलग होता है। इससे हमारे उच्चारण में स्पष्टता आती है एवं हमारी स्मरण शक्ति विकसित होती है। यदि हम संस्कृत भाषा का उच्चारण कर लेते हैं तो हमारी जीवा इतनी लचीली हो जाती है कि हम विश्व की किसी भी भाषा को बहुत ही सरलता से उच्चारण कर सकते हैं। अमृतवाणी संस्कृत भाषा न विक्लिष्टा न च कठिना, ऐसी पवित्र देववाणी से परिचित होना निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है। परम श्रद्धा स्वामी जी का कहना है कि श्री कृष्णाष्टकम का नित्य पाठ सभी बालकों को करना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि विकसित होगी एवं उनमें श्रद्धा और भक्ति के भाव जागृत होंगे। विप्र फाउंडेशन राष्ट्र की नींव मजबूत करने वाले इस गरिमामय प्रकल्प में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और इस हेतु गीता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एवं सभी बच्चों को मेरी अशेष मंगल कामनाएं। आप लोग यशस्वी बने, तेजस्वी बने, ओजस्वी बने। जय श्री कृष्ण।